बच्चा चोरी के शक में लगातार बेगुनाहों की हत्या मामले में प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी के बयान के बाद संभल जिले में भी झूठी अफवाह फैलाने के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है और आम जनता से सीधा संवाद कर झूठी अफवाह में नहीं आने और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने की अपील की जा रही है। लगातार पुलिस कप्तान आम जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। जनपद में बच्चा चोरी होने की जो अफवाह फैल रही है, ये अफवाह बिल्कुल झूठी है। जनपद में ऐसा कोई गृह सक्रिय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बच्चा चोरी होने की कोई अफवाह फैलाता है या फिर सोशल मीडिया पर उसे शेयर करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी पर किसी तरह का संदेह होता है या कोई संदिग्ध प्रतीत होता है तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। किसी भी माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हैं, चाहे 100 नंबर से या जो भी माध्यम आपके पास है, और कानून को अपने हाथ में ना लें और पुलिस का सहयोग करें। मैं ओपी सिंह, डीजीपी उत्तर प्रदेश, आज एक गंभीर और संवेदनशील विषय के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश में कुछ जगहों पर बच्चा चोरी की बेबुनियाद अफवाह फैलाकर अराजक तत्वों द्वारा हिंसा कारित की गई है। जांच में हिंसा की घटनाओं में बच्चा चोरी की बात प्रमाणित नहीं हुई है। मेरी आपसे अपील है कि अफवाहों पर कतई ध्यान न दें, किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न ले और न ही हिंसा के भागीदार बने। ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होने पर 100 नंबर पर तत्काल सूचित करें। अब तक बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने व हिंसा कारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 82 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे तत्वों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोशल मीडिया पर भी किसी प्रकार की अफवाह फैलाने के भागीदार न बने। अफवाह फैलाने वालों व्यक्तियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करेंगे। जय हिंद। सर, आज मीटिंग ली है अपने थानों में, किस संबंध में मीटिंग ली सर? ये जनपद संभल में सभी थाना और बीट इंचार्ज और हल्का इंचार्ज को तो किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में सभी ग्राम प्रधानों से, राजस्व कर्मियों से और जनता को बुला करके मीटिंग कर लें। सभी को ये बताएं कि कोई भी ऐसी बच्चा चोर गैंग नहीं है और कतिपय लोगों को परेशान करने के लिए, उनको नुकसान पहुँचाने के लिए भीड़ के रूप में इकट्ठा ना हो। अगर कोई जानकारी उनको आती है किसी तरीके की, पुलिस से शेयर करें। इसी क्रम में हम लोग खुद ही घूम करके मीटिंग ले रहे हैं, थाना थाना पर लोगों को बुला रहे हैं। सभी हिंदू मुस्लिम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद से भी इस बात का ऐलान करें कि ऐसा कोई मॉब लिंचिंग की घटना सामूहिक कृत्य ना करें और जो गरीब आदमी है उनके प्रति संवेदना रखें, क्योंकि आपके कृत्य से किसी का जान माल का नुकसान हो सकता है। कृपया इस चीज़ को अवॉइड करें। सभी ने अभी आश्वस्त किया है, मंदिर मस्जिदों से भी ऐलान हो रहा है। हमने जितनी हमारी PRB की गाड़ियाँ हैं उनमें भी सभी से कहा गया है कि वो जहाँ जहाँ चौराहे पे खड़ी हैं हर जगह ये ऐलान करें कि कोई भी सोशल मीडिया साइट पे या ऐसे साइट पे जो अफवाह फैला रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई भी इस तरीके की अफवाह ना फैलाए, झूठी खबरें ना फैलाए। कोई भी बच्चा चोरी का गैंग नहीं है और लाउड स्पीकर से भी सभी क्षेत्रों में भ्रमण करा करके ये कराया जा रहा है, अनाउंस कराया जा रहा है कि कोई भी इस तरह की अफवाह ना फैलाए, झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।